फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो कमल हसन की आने वाली फिल्मों से कई बड़ी अपडेट्स हैं। जहां सबसे पहले बात करें उनकी मच अवेटेड फिल्म इंडियन 2 से, तो इंडियन 2 के मेकर्स ने यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि इंडियन 2 का पहला ग्लिम्स वीडियो 3 नवंबर 2023 को देखने को मिलेगा। और वहीं नवंबर के पहले हफ्ते में ही डायरेक्टर एच विनोद के साथ आने वाली अनटाइटल्ड फिल्म KH-234 की शूटिंग से रिलेटेड अपडेट दी जाएगी। और वहीं 7 नवंबर 2023 को मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनने वाली अनटाइटल्ड फिल्म KH-234 के टाइटल टीजर को रिलीज किया जाएगा। और वहीं नवंबर के पहले हफ्ते में ही उनकी मच अवेटेड पैन भारत फिल्म कल्कि 2898 एडी से एक स्पेशल पोस्टर को रिलीज किया जाएगा। तो नवंबर के पहले हफ्ते में हमें कमल हसन के जन्मदिन पर उनकी आने वाली 4 फिल्मों की अपडेट देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमल हसन और उनकी आने वाली इन फिल्मों के बारे में? अरे संभाल लेंगे। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन के कैरेक्टर के पोस्टर को रिलीज किया गया है। आप यहां पर रणवीर सिंह के कैरेक्टर सिम्बा का फर्स्ट लुक देख सकते हैं और उसी के साथ टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर सत्या और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर शक्ति सिंह के फर्स्ट लुक को भी देख सकते हैं। आपको बता दें सिंघम अगेन रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर रोहित शेट्टी ही डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और रोहित शेट्टी की ये फिल्म हमें 15 अगस्त 2024 को देखने को मिलेगी। और 15 अगस्त 2024 को ही अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा दिरुल भी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मोहनलाल की एक नई पैन भारत फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका टाइटल रामबाण रखा गया है। आप यहां पर इस फिल्म के पोस्टर को देख सकते हैं। मोहनलाल की इस फिल्म को डायरेक्टर जोशी डायरेक्ट करने वाले हैं और डायरेक्टर जोशी के साथ मोहनलाल की ये 12वीं फिल्म होने वाली है। इससे पहले मोहनलाल ने 2015 में आई डायरेक्टर जोशी की फिल्म लैला ओ लैला में काम किया था। और वहीं कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग मिड 2024 से स्टार्ट करेंगे और मोहनलाल की ये फिल्म हमें 2025 में विशु और ईस्टर के ओकेजन पर देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोहनलाल और उनकी आने वाली इस फिल्म के बारे में? सनी देओल की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसका टाइटल लाहौर 1947 रखा गया है, जिसे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स लाहौर 1947 में सनी देओल के अपोजिट तब्बू को अप्रोच कर रहे हैं। आपको बता दें सनी देओल और तब्बू ने आखिरी बार 2010 में आई फिल्म खुदा कसम में साथ में काम किया था। और लगभग 14 साल बाद सनी देओल और तब्बू एक फिल्म में साथ में देखने को मिलेंगे। लाहौर 1947 की कहानी असगर वजाहत के पंजाबी नाटक जिस लाहौर ने देखा ओ जमाई ने, इस पर बेस होने वाली है। और वहीं इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आमिर खान प्रोड्यूस करने वाले हैं। रणवीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें अपडेट ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि रणवीर कपूर की इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 30 मिनट का होने वाला है। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। अगर इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 30 मिनट निकल कर आता है तो एक जनरल ऑडियंस के लिए ये फिल्म काफी बोरिंग हो जाएगी। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल रवि तेजा की पैन भारत फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का ही देख सकते हैं, जहां इस फिल्म का पहला रन टाइम 3 घंटे 1 मिनट का बताया गया था। उसके बाद मेकर्स ने इस फिल्म के रन टाइम को कट करके इसका फाइनल रन टाइम 2 घंटे 33 मिनट का कर दिया था। तो देखना होगा कि रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल का फाइनल रन टाइम कितना होता है। आपको बता दें एनिमल एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में रणवीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और रणवीर कपूर की ये फिल्म हमें 1 दिसंबर 2023 को हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे रणवीर कपूर और उनकी आने वाली फिल्म एनिमल के बारे में? पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।